जब से गांव में से निकल कर आए, जब से ये कोई मुसीबत देख रहे, काम कुछ रोजगार हिले कुछ है नहीं, कोई जरा मरा सा कोई हिला लगा भी तो मरता होगा। और हमें यार शर्ट का काम मिला था, वो सिला था, फिर जी जीएसटी लग गई थी, जीएसटी के बाद फिर जो सील रखी थी, मजदूरी जो कर रखी थी, वो अभी नहीं आई। आप शर्ट सिलते थे तो किस रेट पर सिलते थे? ये 4 रुपये शर्ट थी। तो नोटबंदी और जीएसटी आने के बाद फिर कैसा? फिर जी उन्होंने कह दिया फैक्ट्री में माल नहीं आ रहा, कुछ दिन रुको, 3-4 महीने तक माल नहीं आया। 3-4 महीने के बाद जो माल आया, जो 4 रुपये का रेट था, वो 3 रुपये में रेट कर दिया। अच्छे बच्चे हैं, 3 बच्चों की 2 की इच्छा है पढ़ाई की, मैं भी नहीं पढ़ पाए, एक को मजबूरी पढ़ाना पड़ रहा, वो भी किसी पे से ले दे गए, 1.5 लाख के कर्ज बंद है। तो आपकी कॉलोनी में कितने लोग सिलाई का काम करते हैं? उस टाइम पर तो 5-4 कर रहे थे हम। अच्छा, तो उनका तो सब बंद हो गया जीएसटी की वजह से, सब बंद हो गया। जैसे कि नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के कारण उनको आगे माल नहीं मिल पाता था, जब उन्हें नहीं मिल पाता था तो हमें भी नहीं मिल पाता था। मतलब हम तो अपने ही माल, अपने रेट पे माल को सिलने के लिए रेडी थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अब इस पे नहीं सिलेगा, क्योंकि अब जीएसटी लग चुका है, काफ़ी महंगा हो गया है, हमें भी लॉस हो रहा है, तो इसलिए नहीं। पहले ये वाली जो रील होती थी 2 रुपये की मिलती थी, लेकिन अब ये भी 5, 7 या 8 के रेंज में जा चुकी है। ये जो बारीक वाली है, वे 1-2 रुपये की आती थी, लेकिन वो भी 3 रुपये की हो गई। और फिलहाल जीएसटी का इतना बुरा हाल है कि हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम पहले 5 रुपये में या 7 रुपये में शर्ट वगैरह या लोअर वगैरह सिलते थे, लेकिन अब जीएसटी से ना तो जिसके हम सिलते हैं उन्हें मिल पाता है माल, और उसकी वजह से अब हमें 1-2 रुपया मिलता है, तो ज़्यादा बुरा हाल हो गया हमारा। शर्ट सिलते थे तो कितने पर पीस, किस हिसाब से सिलते थे? जो पहले ही भोरा जी इतना जो पहले सिलते थे वो 8 रुपये पीस था। तो पहले सिलते थे, शुरू में जो भी था जी, 9 भी था, और जो सिल रहा यो 5 दे रहे, 2 दिन से नोटबंदी हुई। अच्छा, ये नोटबंदी के बाद? हाँ जी, जो नोटबंदी उस दिन से बाद मोदी की राजनीति आई, उस दिन से बाद में ये 5, 4, 3 यहाँ तक को आ गए साहब। तो पहले आपको कितने पैसे मिलते थे एक पीस के? ऊपर एक पीस के 3-4 रुपये। अच्छा, और आप पहले क्या बनाते थे? कुर्ते सिलते थे, कुर्ते सिलते। और अभी कितना मिलता है आपको? अब तो जब काम ही नहीं आ रहा भैया, कहाँ तक मिलेगा। कितनी दिक्कतें परेशानी उठानी पड़ी आपको? परेशानी तो जी जितना झगड़े में तो आ रहे, परेशानी है, परेशानी है। देखा नहीं जू पड़े वहाँ पड़े, यहाँ से 5 साल हो गए, 5वीं साल लग गई, 5 साल था आज लो घर भी नसीब नहीं हुए, घर छोड़ के।